इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिलाईगढ़ विधायक चंद्रदेव राय पहुंचे ईडी कार्यालय। सुबह 11 बजे से है ईडी कार्यालय में पूछताछ जारी। देर रात तक हो सकती है पूछताछ। ईडी अफसरों ने बुलाया था पूछताछ के लिए रायपुर। कुछ दिन पहले ही बिलाईगढ़ विधायक चंद्रदेव राय के पैतृक गांव बालापुर और रायपुर में पड़ा था छापा। बालपुर और रायपुर में मिले थे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज। विधायक के पैतृक गांव बालापुर घर से ईडी ने किया नगद पैसा बरामद। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, बिलाईगढ़ विधायक चंद्रदेव राय पहुंचे ईडी कार्यालय। सुबह 11 बजे से है ईडी कार्यालय में पूछताछ जारी। देर रात तक हो सकती है पूछताछ। देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में सभी कांग्रेस के नेताओं को जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से परेशान कर रही है। लेकिन पिछले समय में भी ईडी की जो कार्रवाई रही है वो पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है कि वो अर्थहीन रही है। कहीं से कुछ नहीं मिला, केवल परेशान करने के लिए, अधिवेशन को रोकने के लिए इन लोगों ने ये कार्रवाई की है। और ये जो सम्मान अभी भी आया है तो उससे हम किसी तरह से डरते नहीं हैं। हम लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोग हैं, संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा जो हमसे जानकारी उनको चाहिए, जो भी उनको पूछताछ करनी है, हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई हमको डराने की कोशिश करेगा, दबाने की कोशिश करेगा, गैर तरीके से फंसाने की कोशिश करेगा, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए अगर संवैधानिक संस्थाएं काम करेगी तो हम खुलकर उसका विरोध भी करेंगे। कार्रवाई वाले दिन आपने कहा था कि कोई भी कार्रवाई करनी है तो एक बार बुला लिया जाए, मेरे पास काम बहुत है। मैंने अभी भी यही कहा है उनको। मैं अभी आपको बताऊं, 3 दिन पहले ईडी के दफ्तर गया था, उन्होंने ये कहा था, मेरा जब मोबाइल फ़ोन उन्होंने लिया था, कि आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स आपको 2 दिन के अंदर दे दिए जाएंगे। उसके बाद मेरे ऑफिस से 3 बार मेरे स्टाफ वहाँ पे गए, लेकिन उनको वहाँ पे घुमा दिया गया और कोई मेरा कॉन्टैक्ट मोबाइल के कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिए गए। तो मैं 3 दिन पहले खुद गया था और मैंने कहा मेरे मोबाइल के कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, एटलीस्ट मेरा कनेक्टिविटी तो बने। तो उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। तो कुल मिला के ये सारे तौर तरीके उनके केवल और केवल हैरास करने के। मैंने उस दिन भी कहा, आपको जो भी मुझसे चर्चाएं करनी है इत्मीनान से करिए, एक बार बुलाइए, 4 दिन रखिए, 5 दिन रखिए, मैं तैयार हूँ। लेकिन ये रोज़ रोज़ आप अगर हैरास करेंगे तो इससे देखिए क्या है, हम लोगों को जनता के लिए काम करना रहता है। अगर हमारे हफ्ते में 1-2 दिन ऐसे ही ये ख़राब करेंगे तो जनता का नुकसान होगा। तो जनता का नुकसान हम नहीं होने देंगे।